सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो जैसे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप में जो डेली ट्रैकिंग पे आप लोग वर्क करती हैं, और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम ही है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो डेली ट्रैकिंग का वर्क होता है वो मंडे टू सैटरडे होता है, और संडे को जो डेली ट्रैकिंग का वर्क है वो नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोग मंडे टू सैटरडे जो डेली ट्रैकिंग में वर्क करते हैं, और जैसे कि AWC फ़ोटो कैप्चर का जो वहाँ पे ऑप्शन होता है जिसमें कि आप लोग बच्चों का मॉर्निंग स्नैक्स और SEM वगैरह का फ़ोटो अपलोड करती हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आप लोग फ़ोटो अपलोड करती हैं तो जो CDPO की IDs होती है वहाँ पर वो फ़ोटो शो नहीं होता है। तो इसके कई ऐसे कारण हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को कौन सा सेटिंग ऑन रखना है जिससे कि आपका फ़ोटो जब भी अपलोड हो एट ए टाइम उनके ID पे वो शो हो जाए। तो इसके लिए आप सभी लोग जानते ही हैं कि सबसे पहले आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में जो लोकेशन का ऑप्शन दिया होता है वो आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए। आपको यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन को ऑन रखना ज़रूरी होता है। जब भी आप लोग डेली ट्रैकिंग पे वर्क करेंगे तो आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए जिससे कि आपका जो फ़ोटो है वो CDPO की IDs पर अपलोड हो जाए। उसके बाद भी ऐसा देखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका बहनों का जो फ़ोटो है वो CDPO की ID पर शो नहीं होता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और कुछ सेटिंग होता है जिसको आप लोगों को ऑन रखना होता है। तो यहां से हम फिलहाल पोषण ट्रैकर ऐप को बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद आपको यहां पे क्या करना है कि जो आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप है यहां पे आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऐप इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन है इस पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पोषण ट्रैकर ऐप में कुछ परमिशन देना होता है, जो कि परमिशन आपका ऑफ रहता है तो उसको ऑन रखना है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के नीचे आप लोग देख सकते हैं परमिशन का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर परमिशन वाले पर क्लिक करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा का परमिशन यहाँ पे दिया गया है, तो कैमरा का परमिशन यहाँ पे आप लोगों को अलाउ रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डोंट अलाउ किसी का होगा तो यहाँ पे आप लोगों को अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोगों को परमिशन दे देनी है, फिर यहाँ से बैक करेंगे, और ये फाइल्स एंड मीडिया का जो ऑप्शन है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइल्स एंड मीडिया, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो परमिशन है वो डोंट अलाउ है, तो आप लोगों को इसको भी अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे है जो लोकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं आपका लोकेशन भले ही वहाँ से ऑन है लेकिन ये जो लोकेशन वाला ऑप्शन है यहाँ पर जो परमिशन है यहाँ पर आपको परमिशन दे देनी है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये भी परमिशन यहाँ पे ऑफ था, इसको भी आप लोगों को अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे जो तीनों परमिशन है उसको अलाउ रखना है जिससे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे वर्क करेंगे तो आपका जो भी फ़ोटो वगैरह है, जो भी आप लोगों की डिटेल्स है वो CDPO की IDs पे दिखा देगी। तो इस प्रकार से अगर आपने यहाँ पे इसको परमिशन नहीं दिया है तो सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनें इस प्रकार से पोषण ट्रैकर ऐप का जो परमिशन है वो उसको अलाउ कर देना है। तो इस प्रकार से थी आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।